इमेजिन हम लोग इस टाइम आए हुए मॉडर्न टाउन के अंदर, प्राउड टू बी मुस्लिम, तो जानी ये यहाँ का जो है ये मॉडर्न टाउन है ना, आप यहाँ पे आते हैं अगर अज़रबैजान के अंदर, यहाँ पे ये जो है मॉडर्न टाउन है यहाँ का, ये हमने मैप पे देखा, बाकी तो हमें इतना आइडिया नहीं है। तो कहते हैं मॉडर्न टाउन है, यहाँ पे ये पार्क टाइप ही बना हुआ है, लेकिन जो बिल्डिंग्स बनी हुई है क्लास के, हम लोग जा रहे हैं ओल्ड सिटी, ओल्ड टाउन बाकू के, लेकिन ये रास्ते में ही आता है, आप अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको बिल्डिंग्स बड़ी क्लास की देखने को मिलती है, जैसे कि सामने आप देख रहे हैं, ऊंचाई देखें और बनावट देखें अलग ही, और वो सामने वाली बिल्डिंग वो भी खूबसूरत है, ठीक है ना। वो रोड सीधा यहाँ से आ रहा है इस साइड पे, और आप ये स्ट्रीट्स को चलते हुए जाते हैं, ठीक है ना, आप यहाँ से स्ट्रीट के ऊपर ऐसे स्ट्रेट में वॉक करते हैं, मतलब ये स्ट्रेट यू में नहीं है, ये अप में स्ट्रेट है। तो ये अज़रबैजान का जो टाउन है ये भी देख लेते हैं, ओल्ड टाउन से पहले ये टाउन आता है। तो ये इसका देखें अपनी क्लास है, तो ये यहाँ के ये जो हाथों से बनाया हुआ आर्किटेक्चर है ये आप चेक कर सकते हैं, बड़े खूबसूरत तरीके से बनाया गया हुआ है। ये देखें, ये एक बंदे का फेस टाइप बनाया गया है, बॉडी है और बैठा हुआ है, और इसके सामने ऊपर ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग ही टाइप है। यहाँ पे अंदर जाने के लिए एरिया, आई डोंट नो द चार्जेस आर फ्री, है कि यहाँ पे कारपेट बहुत ज़्यादा मशहूर है, जो कारपेट है जो हमने ऑनलाइन भी चेक किया था वहाँ पे भी यही चीज़ थी, कारपेट यहाँ की बहुत मशहूर है। जैसे कि ये सामने आप देख रहे हैं ये लगी हुई कारपेट्स जो हैं, यहाँ पे एक कारपेट एक वो भी है, म्यूज़ियम भी बना हुआ है, जब आप आते हो यहाँ पे एक म्यूज़ियम है कारपेट का, तो ये आप देख सकते हैं सारी कारपेट्स लगी हुई है। यहाँ पे ये है ओल्ड बिल्डिंग, ये वाली है, ओके, ये पूरा यहाँ पे ग्राउंड टाइप एरिया दिया हुआ है आपको, आप यहाँ पे अगर आते हैं, यहाँ की ये चीज़ें, हेलो हाउ आर यू, अजरी फ्लैग हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है ना, यहाँ पे आपको प्रॉपर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। How are you, brother? Yeah, I'm from Pakistan. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. You know, Azri and Pakistani both are Muslim, then we go anywhere, then you say Assalamu alaikum. Because we are Muslim, proud to be Muslim. Pakistani kardash. Salam. How are you, brother? Good? How are you? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you. यानी हम लोग अगर यहाँ पे किसी भी अज़र के लोगों को मिलते हैं हम सलाम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुस्लिम हैं तो हम लोग सलाम करते हैं। ये रोड अभी सीधा ऊपर भी जा रहा है, यहाँ से रेस्टोरेंट है ऊपर जाने का, जो रास्ता वो ऊपर रेस्टोरेंट बना हुआ है, ये बिल्डिंग्स है। इमेजिन हम लोग इस टाइम आए हुए हैं मॉडर्न टाउन के अंदर, ये जो सामने बिल्डिंग है मॉडर्न टाउन की, यहाँ की फेमस बिल्डिंग है ये भी, इसके अंदर आप जाते हैं ऊपर टॉप फ्लोर के ऊपर, तो आपको देने पड़ते हैं 15 मन्ना इसके ऊपर टॉप पे जाने के लिए। हम लोग इस पे नहीं जाएंगे, एक और बिल्डिंग मैंने देखी है वहाँ फेमस है, वहाँ पे हम टॉप पे जाएंगे, इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये आपको रास्ते में पड़ती है मॉडर्न टाउन, इस लोकेशन की जगह है, काफ़ी अच्छा व्यू है, यहाँ पे काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट बने हुए हैं आपको बैठने के लिए, और यहाँ पे क्लासिक चीज़ें आपको मिल जाती हैं, आप यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ पे क्लासिक चीज़ें मिल जाएंगी, और एक तुर्की टाइप का यहाँ पे एक सिटिंग एरिया भी बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप बनाई हुई तुर्की टाइप का सिटिंग एरिया, ये पूरा यहाँ है, ये मेन बिल्डिंग यही है, इसी की वजह से यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह बनी हुई है, और ये हमारी पोर्श यहाँ पे भी है भाई, पोर्श यहाँ पे भी स्पोर्ट्स कार हैं, उसके बाद ये किसी का घर है ऊपर, ये देखे जानी यार क्लास का, क्लास की जगह है कसम से, सीरियसली दिल खुश हो जाता है ऐसी जगहें देख के। I got a bottle of Patron and some lights off. Two red devil looking eyeballs and I finna Hello brother, how are you? Good. तो हम लोग जानी ये जो है ये इसी एरिया का ऊपर वाला सेक्शन है, ठीक है ना, आप यहाँ से अगर सीधा आते हैं ऊपर जाते हैं और वापस यहाँ से जाते हैं, और इसको घूम के हम लोग फिर जाएंगे सीधा ओल्ड सिटी में, ठीक है ना। यहाँ पे आने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे जब भी आते हैं, ठीक है, आपको इन्वायरमेंट बड़ा क्लास का मिलता है, परफेक्ट जगह, और मेन चीज़ जो कि मैं हर जगह नोटिस कर रहा हूँ वो है यहाँ का जो आर्किटेक्ट, यहाँ की बनावट बिल्डिंग की, जो पुराने ज़माने की बनावट है बिल्डिंग की, वो बड़ी क्लास है। आप मतलब अज़रबैजान में कहीं भी चले जाएं, आपको जो यहाँ के बिल्डिंग्स के ऊपर जो शेप्स नज़र आएंगे ना, वो क्लास के हैं,
ठीक है ना, वो बड़े परफेक्ट शेप हैं। आप यहाँ पे मतलब आते हैं तो आपको डोर्स तक जो हैं गेट्स हैं वो भी क्लास के मिलेंगे, प्लस आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ का इन्वायरमेंट बड़ा पसंद आएगा, यहाँ के नेचर जो यहाँ की ग्रीनरी है वो भी बड़े क्लास की है। तो आप जब भी आते हैं तो आपको यहाँ के फ्रेश हवा मिलेगी और ग्रीनरी बड़ी परफेक्ट मिलेगी जब भी आप यहाँ पे आएंगे। वेदर बड़ा कमाल है यहाँ पे, वेदर बहुत ज़बरदस्त है। ये ऊपर ये जो बिल्डिंग है ऊपर जाते हैं, ऊपर देखते हैं क्या सीन है। ये देखें ट्रक जो बनाए हुए इन्होंने, ट्री बड़ी ज़बरदस्त क्लास की। अच्छा ये शॉप्स टाइप बनी हुई है, ठीक है ठीक है ठीक है। ये शॉप्स हैं यहाँ पे, आपको अज़रबैजान की ओल्ड शॉप्स मिलेंगी। ये यहाँ की स्ट्रीट है, ये आप देख रहे हैं यहाँ की स्ट्रीट है। तो आप यहाँ पर जाते हैं अगर अंदर तो आपको यहाँ पर ओल्ड म्यूज़ियम टाइप चीज़ें मिल जाती हैं। आई थिंक ये रेस्टोरेंट है, दिस वन इज रेस्टोरेंट, हाँ रेस्टोरेंट, हाँ हाँ अज़री रेस्टोरेंट, ओके ओके आई विल विजिट, ओके थैंक यू। यानी मुझे लगा ये कुछ लेने की जगह है लेकिन ये रेस्टोरेंट है, पहले हम KFC खा के फुल हो गए तो रेस्टोरेंट में क्या बैठ के खाएंगे। तो यहाँ पे जो पुराने ज़माने की चीज़ें हैं क्लास वो ये हैं, ठीक है ना, कैप्स वगैरह आपको मिल जाती है। ये एक शॉप दी हुई है इन्होंने ऊपर, यहाँ पे ये शॉप है। हेलो हाउ आर यू, गुड। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़ा क्लास की मतलब चीज़ें हैं, कलेक्शन बहुत अच्छा है यार अज़रबैजान का, जो कलेक्शन है चीज़ों का बड़ा क्लास का कलेक्शन है। यहाँ पे आप कुछ भी आके ले सकते हैं। व्हाट्स योर शॉप नेम, गुड नेम, शॉप नेम? नरगिस। नरगिस इज योर नेम? Daughter name. Where are you from? Azerbaijan? Yeah. You know, Azeri people are very friendly. I'm from Pakistan. But seriously, that people are welcoming people. When any people is coming here, they are very nice. Nice to meet you. Thank you so much. Thank you. It's very beautiful. Thank you so much. Bye bye. Bye. Jani, Azeri people bade acche hote hain, theek hai na? Aap dekh sakte hain. लेडीज आंटी हम कह सकते हैं, तो बहुत ही फ्रेंडली थी। ये एक और शॉप बनी हुई, ये इसका अच्छा, ये लाइटिंग बड़ी खूबसूरत है यार, ये शॉप है। खैर लेडीज है, हमारे काम की नहीं है, हम लोग जा रहे हैं अब दूसरी पोर्च, मतलब यहाँ पोर्चे बहुत हैं, फ्री में देंगे यहाँ पोर्च। ये स्ट्रीट चेक करें अब जाती हुई, यहाँ के अंदर फिर नीचे गली डाउन जा रही है, यहाँ पे पूरी स्ट्रीट्स हैं। और ये थोड़े बहुत लाहौर के अंदर भी ऐसी कुछ स्ट्रीट्स हैं जैसे कि ये शॉप्स हैं और ऊपर घर हैं, ठीक है ना, ये परफेक्ट हैं। अच्छा यहाँ पे ये भी एक और शॉप है, और यहाँ के लोग बड़े फ्रेंडली हैं सीरियसली यार। डोर यहाँ से ये देखें कितना क्लास का यार खूबसूरत बनाया हुआ इन्होंने स्ट्रीट, आप चेक करें। इसे कहते हैं मेन बनाने का तरीका इनका, मतलब एक तो स्ट्रीट प्यारी, ऊपर से बिल्डिंग्स खूबसूरत, उनकी जो बनावट है वो परफेक्ट है। कैसे हैं बॉस? ओल्ड बाकू सिटी के अंदर ये जो है ये अपना होटल है, यहाँ के प्राइस चीप है। कितने? 24 आवर में एक दिन 20 मन्नत है यहाँ पे, इंक्लूडिंग वाईफाई वगैरह हर चीज़ होगी, किचन वगैरह हर चीज़ है, मतलब आप ऑन कुकिंग कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। तो अगर आप आते हैं अज़रबैजान में ओल्ड सिटी में आपको रहना है तो ये लोकेशन है यहाँ की, ठीक है ना। आप स्ट्रीट से ऊपर आएंगे सीधा यहाँ पे आप चले जाएंगे, यहाँ पे आप आएंगे आपको कुकिंग के लिए जगह मिल जाएगी, वाईफाई का ऑप्शन है अंदर से, मुझे नहीं पता कैसा यहाँ का होटल है ये। जान ये अज़रबैजान की स्ट्रीट है, हम घूम रहे हैं ओल्ड बाकू के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एक लाहौर टाइप की भी वाइब आएगी, आई थिंक मुझे लाहौर की, मैंने कुछ वीडियोज़ देखी हैं उसमें लाहौर टाइप की वाइब आती है। सामने जो वो बिल्डिंग है वो भी फेमस है, वहाँ फिर कभी जाएंगे। आज हमारा जो टूर था वो था ओल्ड बाकू के अंदर घूमने का। अच्छा यहाँ पे ये पार्किंग वगैरह जो है वो 1 से 2 मन्नत की पार्किंग होती है, तो काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है। नाम है वो ओल्ड है लेकिन एरिया जो है वो VIP है, ठीक है ना। ओल्ड बाकू पर लोकेशन लाइक न्यू बाकू, मतलब परफेक्ट है जाने। यहाँ की क्लासिक कारें अपने अपने टाइप की। जो एरिया है ये पूरा
का मतलब एक चढ़ाई पे ही जाने वाला एरिया, अगर जाना आपने ऊपर तो स्ट्रेट। मतलब डाउन, अगर बाहर जाना है रोड पे मेन तो डाउन। यानी लोकेशन चेक करो यार। I got a bottle of Grey Goose and ice cubes. Have a drink that'll put me in the right mood. 80 proof's gonna lower my IQ. And I've been the same way since high school. I look shorty right in her brown eyes. हेलमेट की बात करते चलें तो एक सुकून सा है कि जिंदगी में स्ट्रेस वगैरह है तो आप अजरबैजान का चक्कर लगाएं और यहाँ पे घूमें। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि सिर्फ ट्रैवल के हिसाब से, एक वेदर खूबसूरत है और एक मतलब खामोशी सी और सुकून सा है। ये देखें ठीक है ना, हर कोई अपने अपने घरों में सुकून कर रहा है, स्ट्रीट पे लोग घूम रहे हैं जो जिन्हें कहीं पे जाना है तो परफेक्ट है उसके लिए। अजरबैजान में अगर आप आते हैं स्ट्रीट के ऊपर घूमते हैं ना, ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट है, पीस इन्वायरमेंट है, ज़्यादातर यहाँ ट्रैवलर्स आते रहते हैं। म्याओ म्याओ, हेलो हाउ आर यू, कैट्स है ना वो यहाँ की फेमस है। जानी ये जो बनी हुई यहाँ की मार्केट है, हम यहाँ से पानी लेंगे, यहाँ पे हमें मिल जाएगा पानी 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 पानी, पानी। हाउ मच ब्रदर, हमने पानी ले लिया ठीक है ना। अच्छा रोड पे हमें मिल रहा है 150 मन्नत का और यहाँ पे हमें मिल रहा है ओनली 60। अंदर जो ये है ये ओल्ड सिटी है ठीक है ना, आप जब भी अजरबैजान आते हैं तो मतलब कहीं भी घूमने जाएं यहाँ पे लाजिम आए ओल्ड सिटी पे। ये यहाँ की अजरबैजान की फेमस स्ट्रीट, कहीं से भी आते हैं तो इस जगह को लाजिम घूमें। एक तो यहाँ का इन्वायरमेंट पीस है, सुकून है, पीस इन्वायरमेंट है और परफेक्ट लोकेशन है विज़िट करने के लिए। मतलब हम जो भी हमने सेलेक्ट किया हुआ था उसमें सबसे पहले मुझे यहीं आना था ओल्ड टाउन के अंदर। ये ओल्ड टाउन जो है यहाँ पे पूरी लोकेशंस पे मतलब ऐसे स्ट्रीट टाइप बनी हुई हैं और यहाँ पे सारे लोग मतलब यहाँ पे रिहायशी ज़्यादा हैं। जो ये पुराना एरिया है अजरबैजान का, जो पुरानी लोकेशन थी ये वो है। तो आप जब भी अजरबैजान आते हैं तो आप लाजिम यहाँ विज़िट करें। एक तो लोग बहुत फ्रेंडली हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये हम लोग बिल्कुल एग्ज़िट में आ गए हैं BMW, और ये कौन से है बिल्लू। अच्छा अजरबैजान के अंदर आपको नंबर प्लेट्स के ऊपर AZ लिखा हुआ लगेगा, जैसे ये अजरबैजान की नंबर है। अजरबैजान की ओल्ड गलियां हैं ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे स्टिकर्स टाइप लगे रहते हैं। ये जैसे वो शॉप थी वैसे ये शॉप है। यहाँ पे आपको कारपेट, यहाँ पे मतलब इनका जो फेमस जो है ना वो कारपेट है, जो कारपेट का इनका वो कल्चर है, ये कारपेट का ये मेन ये अंदर शॉप है। और यहाँ से अपना इन लोगों ने गाड़ियाँ वगैरह पार्क की हुई हैं, मतलब यहाँ के रिहायशियों ने ये ज़्यादातर शॉप्स वगैरह खोली हुई हैं। जैसे कि यहाँ पे कारपेट, यहाँ पे लोग अजरबैजान के जो लोग हैं ओल्ड बाकू का वो सामने फ्रेम लगा हुआ है जो होता है। हेलो हाउ आर यू, इट्स फेमस स्ट्रीट इन बाकू राइट, इन ओल्ड टाउन दिस वन इन आर पाकिस्तान दैट लाहौर देयर सेम लाइक दिस काइंड ऑफ स्ट्रीट, दैट्स व्हाई आई कम हियर। या नो प्रॉब्लम, आई चेक। ओके गाइस, तो ये हेलो ब्रदर हाउ आर यू, गुड। ओके ये जो है यहाँ पे बड़े क्लासिक टाइप की चीज़ें हैं, ये इनका अपना कल्चर ही ऐसा है। मतलब यहाँ पे आपको हियर पीपल लाइक, या नो प्रॉब्लम। दिस इज अजरबैजानियन फैक्ट्री ऑफ वूल, अनदर अजरबैजानियन स्कार्फ फॉर वुमन एंड अदर्स। ओके दिस इज अ कैमल वूल ओरिजिनल हैंडमेड, अनदर दिस वन लिमिटेड एडिशन डिजाइन डिसीजन ऑफ दिस ओनली दिस मार्केट। ओके ओनली दिस मार्केट, व्हाट्स योर शॉप गुड नेम, योर शॉप नेम, योर नेम, हां नो नेम, ओके ओके। For example, this is carpenter. Okay. Design, another this one the same, another this design, another this design is the best expensive. That one, huh? Yes. This is 70 manat. 70? Yes. 70. Yes. Okay. Because this is a double camel wool, another this design is Buta. Buta means is Azerbaijanian, Azerbaijan is the fire country. Buta means is fire.
ओके अब मतलब यहाँ पे आते हैं दैट्स अजरे पीपल मेक दिस बाय ऑन हैंड चीज है कि यहाँ पे ये जो है ना ये भी जो भी है ये हैंडमेड है नॉट कंपनी मेड जो भी लेता है तो ये हैंडमेड है तो इसके प्राइस है 7070 मन्नात नॉट डॉलर मन्नात इन 70 मन्नात ठीक है ना तो आप जब भी आते हैं इनकी शॉप पे विजिट करें अच्छा एक्सपीरियंस होगा और बॉयज़ के लिए हम कुछ चेक करते हैं ओके अच्छा ये जो यहाँ का इसका जो प्राइस है ना ये प्राइस रेट यहाँ पे दिया हुआ है That 60 मन्नात $35 and 30 euros. यहाँ पे आप मतलब प्लेस वगैरह कुछ भी दे सकते हैं. 6 मन्नात, 5th मन्नात. Okay. Also, you have cheap option. Which one is less price? This one. Which one? That. For example, this is 10 mन्नात. Normal scarf for okay. hijabi. Hijab. Another, this one 50 मन्नात for camel wool. Okay. Another this one 20 मन्नात camel okay. wool. Another this one cashmere soft cashmere and okay. another, this rigid cashmere okay. is different. This is for female. I want to see something for male for me. for men this okay. is a this is for kol tasbi. Yeah, for after namaz. Yes, yes, yes. Yeah, I'm also Muslim. I'm from Pakistan, so I'm also Muslim. this one how much? Only mesela nedir This one 5 manat. Okay, this one 5 manat and... But original... this is original stone. Okay, this one is original. Yes, yes this is... 30 manat. 30 manat, yes. okay. Because this, this one stone size, original. Small size, yes. 25 manat. 25 manat, okay. This is 20 manat. That one is like all prices option we have like 5 20 30 40 all price we have option okay which is a handmade okay this also handmade yes 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 awesome for example this glass and plate handmade. ये पूरी handmade है ठीक है ना यहाँ पे आप आते हैं आपको कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग नहीं मिलेगी आपको घर की बनाई हुई चीजें मिलेगी दे ऑल्सो कलर बाई हैंड लाइक दिस ऑल्सो ऑल थिंग्स आर हैंड मेड फॉर एग्जाम्पल दिस सिंबलाइज अजरबैजानियन पोमेग्रेनेट ओके फ्रॉम गोइचर अनदर दिस वन सिंबलाइज खरबबिल खरबबिल ओनली ग्रोइंग अजरबैजानियन प्लेस ऑफ शुशा Okay, and also this is for chai. Yes, yes. You know, in Pakistan also we call chai. So chai name is very famous in for Pakistan yes. and also Azerbaijan. Before coming, Turkey, Azerbaijan, and Pakistan chai. They yes, all call chai. Yeah. Maybe I, in this trip I have more 7 days here. Then I'm going maybe in Turkey after 1 month. Yeah. yeah. Then I go in like the Arab, Georgia after Turkey. Then I yes, go in yes, Georgia. Yes, yes, yes. Also, because right now I'm staying in Dubai. I'm coming from directly from Dubai. I'm staying there. So we have. If you're buying. No, I am born Pakistan. Uh-huh. Yeah. Then I go back to Dubai. Then my family and we all are living there. My nowadays my family go back in Pakistan, but I am working there with my brother. Like we have like own company. We don't do any job. We have own business. So we are have like home appliances business Very marketing. Good. So perfect. So seriously, but in Azerbaijan, really, I love this thing because here people are very friendly. That is Thank awesome so thing much. In Azerbaijan. But in Azerbaijan, wherever I go, they know, they even don't know how to speak English, but they try to explain in Azerbaijan language. So that thing is perfect. Okay, I need one this. This is, yeah, this is perfect for me because after namaz, I need this. here also, I go in mosque. West, which place is good for a visit here? For example, you must coming Harandiya, Like which area is perfect? This is after this now. Today I visit in old town. This he know very well in English. He's said Azerbaijanian place for beautiful place. Guba, Shaki, Guba, Jai, Ismail, Lahmid, with tour. Okay. Another in Baku, you must coming Nizami Street. Nizami Street. I'm living, staying there in hotel with Nizami Street. Yes. Okay. Another this one. Already like write down on one notebook. There is many places.
But this area, I really love this architecture, the manufacturing. Everyone visit to Baku because Baku is one thing is beautiful. Second thing is people are friendly. Third thing is like their chai is also famous. I drink Azri chai, then I love that chai. Okay, so delicious. Awesome. Also, food are different taste. Food there in Azri food. Like that is amazing. It's most important thing is Muslim food. Yes, because yes. We are Muslim, so we not eat any other thing. So that's why that Muslim food, that perfect. Seriously, nice to meet you guys. Really, you must give them best thing from that options. Okay. I wait. I tell my mom, you both guys are awesome. That one. Thank you and so much. This is our Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, perfect. Okay, guys, thank you so much. Thank you. What's thank your you good also. Name? Nargis. Nargis, thank you so thank much. Thank you. Brother, your good name? Aruz Ali. Aruz Ali, thank welcome. You so much. My thank name you. Is Nadeem. Nadeem. Muslim name also, Nadeem. Thank you. Welcome. Nadeem. Thank you. Bye bye, guys. Have a nice day. Jani, ye ek aur, I think, restaurant bana hua hai yahan ka, Azerbaijan ka, Baku ka, old city ke andar. Ye ek aur shops hai. Matlab, har streets mein aapko ye shops to lazim hi mil jayenge, jitni bhi shops hain. Ye aapko har streets mein mil jati hain. Everybody wanna know. है रेस्टोरेंट का ऑप्शन दिया हुआ है इन लोगों ने. यहाँ पे रेस्टोरेंट आपको ऐसे एरियाज के अंदर मिल जाएंगे. ये रेस्टोरेंट है, बड़ा ही लुक तो क्लास का आ रहा है इसका. ऑसम लुक आ रहा है. आई थिंक रेस्टोरेंट है या बार है, आई एम नॉट श्योर. ये कॉफी, यस, इसके ऊपर कॉफी का ऑप्शन है. जानी ये चेक करें, बड़ा एक ग्लास का बनाया हुआ है इन्होंने. ऊपर देखें लाइट्स लगाई हुई और साथ में शॉप ने, दोनों की लाइट कॉम्बिनेशन बहुत ऑसम है. ये एक और कैफ़े है, यहाँ से शॉप है, यहाँ से कैफेटेरिया है, कैफ़े बना हुआ है. और अपना ये भी कैफ़े है, कैफ़े बार है, यहाँ से आप एंटर होते हैं. ये भी कैफ़े बार टाइप बना हुआ है. ये सामने एक और ब्लॉगर हमारे बैठे हैं, सामने वीडियो बना रहे हैं. तो अजरबैजान में आप जब भी आते हैं तो यहाँ का सीन्स आउट ऑफ क्लास है. ये ओल्ड बाकू की एक ये भी स्ट्रीट, पूरी ये डायरेक्ट स्ट्रीट है, ठीक है ना. ये सामने ऊपर देख सकते हैं, ये रेस्टोरेंट टाइप बनाए हुए हैं. कुछ क्लब्स हैं, कुछ बार हैं और कुछ कॉफ़ी शॉप्स हैं. तो ये सारी बनाई हुई हैं. ये चीज़ कमाल है, आप अभी देख रहे हैं ना. ये देखें, ये जो हैंडमेड चीज़ें हैं ना, यकीन करें मतलब दिल जीत लेते हैं. जिन्होंने भी बनाई होंगी सलूट है उन्हें. और सीरियसली मतलब बनाने का यार लेवल है. लेवल चेक करो, एक फिनिशिंग चेक करो, एक लेवल चेक करो, कैसा इन्होंने बनाया. ज़बरदस्त, उन्होंने परफेक्ट एक हिसाब से बनाया हुआ है. ये फेस वगैरह एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है ना. तो परफेक्ट तरीके से इन्होंने बनाया है. तो जानिए, ये हम नीचे शायद आई थिंक पार्क का एरिया वहाँ जाते हैं. वो सामने स्ट्रीट है, फूड स्ट्रीट वगैरह है. जानिए, ये जो है अजरबैजान की पार्क है. ये स्ट्रीट यहाँ से सीधा, यहाँ से आके ये पार्क का एंटर का रास्ता है. और यहाँ से ये पूरी बिल्डिंग्स है, सामने फूड कोर्ट बने हुए. हम लोग जाते हैं, ये छोटी सी पार्क बनाई हुई है उन्होंने. ये एंट्री है इसकी कुछ ऐसे. यहाँ से हम एंटर हो जाते हैं इस पार्क के अंदर. अच्छा, लगभग पार्क आपको हर एरिया में मिल जाएंगे. ये आई थिंक कुछ लिखा हुआ है, आगे चल के देखते हैं लिखा हुआ क्या है. ये इसका कुछ आई थिंक पुराने ज़माने की कोई चीज़ है यहाँ पे, मुझे नहीं पता. अजरी लैंग्वेज में लिखी हुई, हमें तो समझ आती नहीं है. इसका कुछ ऐसा सीन है और यहाँ से ऐसा है, ठीक है ना. मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है. तो चलते हैं आगे पार्क के अंदर. ये यहाँ पर ये चीज़ अच्छी बनाई हुई है, जो चलने की जगह है. अगर घूम घूम के थक गए तो आप सीधा यहाँ आ जाएँ, 10-15 मिनट रिलैक्स करें और उसके बाद चले जाएँ. देख रही पार्क वगैरह के लिए यहाँ पे कितने खूबसूरत तरीके से बनाई हुई है. रात के लिए लाइटिंग वगैरह भी लगाई हुई है. कर नहीं सकते ये क्योंकि कैट्स तो इनका नेशनल है. यहाँ पे कैट्स ही कैट्स होती हैं सारी, तो कैट्स मना नहीं हो सकते. यार ये बिल्डिंग्स का ये जो है ना, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा है. बैल्कनी जो बनाई हुई है ना, बड़ी ज़बरदस्त बैल्कनी बनाई हुई है पूरे बैठने की जगह. जानी ये यहाँ का जो बाकू का है ना, ये भी बैठने की जगह बनाई हुई है, बहुत खूबसूरत बनाई. ये ब्लॉक्स टाइप डाले हुए, लेकिन ब्लॉक्स नहीं है ये. ये नॉर्मली लाइक प्लास्टिक टाइप के बने हुए हैं. यहाँ पे स्ट्रीट ये मतलब बैठने की ही जगह है. कहीं भी चले जाते हैं, मतलब किसी भी सोसाइटी में चले जाते हैं, आपको हर दो मिनट के रास्ते में पार्क मिल जाती है. सोसाइटी सोसाइटी के पीछे पार्क, सोसाइटी सोसाइटी के पीछे पार्क. तो ये चीज़ यार एक कंट्री को बहुत आगे ले जाती है मेरे भाई. बाहर होटल पे कट पीने से अच्छा है ना, हम लोग जाते हैं ना, हम दोस्त यार क्या करते हैं, शाम में निकलते हैं होटल पे,
आधा कट भाई कट लेते हैं फुल कप नहीं कट, अबे आधे से भी आधा ऑप्शन होता ना तो हमारे लड़के क्या बोलते हैं आधे का भी आधा दे दो। अबे उस आधे कट में हम लोग रात को 3 बजे तक होटल पे बैठे रहते हैं, होटल वाला भी परेशान होता है साले आधा कप पे पी के पूरी रात मालिक बन गए होटल के। तो यहाँ पे वो सीन नहीं है, यहाँ पे हर जगह आपको पार्क्स वगैरह दी हुई, यहाँ के सकून से बैठो मेरे जन पाकिस्तान में इस चीज़ का कुछ करो, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट आता है तो वो चीज़ मेन चीज़ तो यही देखता है कि यार यहाँ के लोग कैसे हैं, ठीक है ना। आपकी कंट्री अगर चलती भी है लोगों की उसके ऊपर चलती है, ये नहीं कि आप बोलें कि यार टूरिस्ट हमारी कंट्री आ जाए, ऐसे तो नहीं आ जाते। जानी ये जो है ना यहाँ नाइट का व्यू है, ये सामने रेस्टोरेंट बनाया हुआ कमाल, और ये पूरा नाइट का व्यू है। पूरा जो है ना ये ओल्ड सिटी है, ये जितना भी है इसका नाम है ओल्ड सिटी, काफ़ी ही खूबसूरत और बेहतरीन था, ज़बरदस्त था, ठीक है ना। हमने यहाँ पे विजिट किया, मुझे पसंद आया सीरियसली। अब ये देखो कितना खूबसूरत सिटिंग एरिया बनाया हुआ है इन्होंने बैठने की जगह, चेक करो एक क्लास से एक लेवल है यार, मतलब बनाया है ठीक है ना, एक लेवल से बनाया है। अगर आप पाकिस्तान में ही देख लो तो वहाँ पे चेयर्स लगी हुई है पार्क में, मैं नहीं बोलता नहीं लगी हुई, लेकिन क्या चेयर में 3 खड्डे हैं, वहाँ पे एक बंदे की बैठने की जगह है। कुछ पार्क्स हैं जो ढंग की हैं, अबे पहले वो चीज़ सीधी करो यार, फिर तुम्हारी कंट्री में भी टूरिस्ट आएगा। तो ये चीज़ होती है कंट्री को डेवलप करने के लिए। तो ये इन्होंने यहाँ पे लाइट्स लगाई, यहाँ पे सिटिंग एरिया के लिए बेंच वगैरह दी हुई हैं। हाँ तो भैया कुछ काम की बातों पे आ जाते हैं, क्योंकि देखें अगर कोई भी दुनिया में इंसान ट्रैवल करता है, कहीं भी किसी कंट्री के अंदर भी ट्रैवल करता है, मैं अपनी बात ले लेता हूँ, अगर मैं किसी कंट्री भी जाता हूँ मैं क्यों जाता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ की कुछ फेमस चीज़ें देखी होती हैं, कुछ वीडियोस देखी हुई होती हैं, कुछ लोगों का पता होता है कि भाई वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट अच्छी है, वहाँ पे इजीली वीज़ा आपको मिल जाता है, वहाँ का इन्वायरमेंट साफ है, इन चीज़ों को देख के टूरिस्ट आपकी कंट्री में आता है। और अगर आप मतलब कह रहे हैं पाकिस्तान में विजिटर आ जाए भाई, पहले विजिटर्स को लाने के लिए वो तरतीब तो बनाई जाए, आप कुछ रिलीफ तो दें, मतलब जो टूरिस्ट उन्हें कुछ रिलीफ दें, कुछ ऑप्शन दें, कुछ ऑफर्स दें, कुछ अपने मतलब मुआशरे का निज़ाम थोड़ा सीधा करें। जैसे हमारे पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं, बहुत खूबसूरत है यार, मैं अपने पाकिस्तान को बोलता हूँ बहुत खूबसूरत है, थोड़ी बहुत चेंजिंग लाई जाए तो इससे खूबसूरत कंट्री नहीं है मेरी जान। हमें तो सब चीज़ कुदरत की तरफ से मिला हुआ है, नारान कागान चले जाएँ, सवाद चले जाएँ, आप कहीं भी चले जाएँ आपको परफेक्ट जगह मिलेगी। तो मैं यही कहता हूँ कि आप ये देखिए ना, आपको कुदरती दी हुई चीज़ें आपने बनानी नहीं है, काफ़ी सारे मुल्कों में वो लोग बनाए जाते हैं, मतलब वो खुद बनाते, जैसे दुबई है वहाँ पे चीज़ें गवर्नमेंट ने खुद से बनाई है, नेचुरली नहीं थी, रेगिस्तान था उन्होंने बनाया, विजिटर आया, क्यों आया, क्योंकि यार उन्होंने कोई चीज़ दिखाई उन्हें ना विजिटर को कि यार हमारी कंट्री में ये चीज़ है इस वजह से आप आओगे, और विजिटर आता है उस वजह से। और मेरी जान अब मैं बाकू में आया हूँ सीरियसली, एक तो यहाँ का मौसम वेदर अच्छा है, चलो वेदर तो हमारे मुल्क का भी अच्छा है, लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अब देखिए मैं तकरीबन 20-25 मिनट की वॉक की होगी मैंने, कम से कम 4 पार्क्स इस 20 मिनट की वॉक के अंदर 4 पार्क्स मुझे मिल गई, ठीक है ना। हर एरिया साफ सुथरा है, डस्टबिन रखे हुए तो क्लियर है ना, अगर डस्टबिन नहीं हो तो ये भी कहीं भी लोग सामान डाल दें, पहले चीज़ होती है कि आप चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, लोग फिर उसे यूज़ करेंगे। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कंटिन्यू हो जाएंगे। लेकिन अज़रबैजान की बात ये खूबसूरत है, एक तो वेदर यार इतना खूबसूरत है, दूसरा यहाँ के लोग खूबसूरत हैं, और हम लोग आज आए हुए थे निज़ामी स्ट्रीट के, वहाँ से सीधा ओल्ड सिटी, ये जो मैंने आपको एरिया दिखाया है ये निज़ामी स्ट्रीट का ओल्ड सिटी है। तो यहाँ पे आप लाजिम विजिट करें मेरी जान, जब भी आप निज़ामी स्ट्रीट आएँ या अज़रबैजान के किसी भी एरिया में आएँ, ओल्ड टाउन बाकू में लाजिम आएँ, यकीन करो खूबसूरत है, एक सुकून सा, एक रिलीफ सा मिल जाता है, पीस सा माइंड हो जाता है। मतलब इनका अगर ओल्ड एरिया इतना खूबसूरत है तो खुद सोचो सिटी कितनी खूबसूरत है। अरे सिटी को छोड़ा, मैं तो ओल्ड सिटी में ही इतना हैरान हूँ कि यार देखो ओल्ड सिटी, कहीं से लगती नहीं है ओल्ड सिटी, हर जगह क्लीन इन्वायरमेंट है, होटल्स दिए हुए हैं, पार्क्स दिए हुई हैं, नेचुरल आपको हर जगह ट्रीज मिले हुए, उन्हें प्रॉपर पानी लग रहा है, एक खूबसूरत वेदर के साथ साथ उन्होंने एक खूबसूरत इन्वायरमेंट भी बनाया हुआ है ना। तो मेरी जान इस चीज़ का ख्याल करें यार, पाकिस्तान गवर्नमेंट प्लीज़ कुछ हमारे मुल्क को मतलब ऐसा खूबसूरत बनाए कि उसमें हमारे मुल्क में ट्रैवल करें लोग, यकीन करो हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पाकिस्तान अज़रबैजान के लोग भी कहते हैं यार पाकिस्तान, वी लव पाकिस्तान, क्यों कहते हैं पाकिस्तान है ना कोई चीज़ तो कहते हैं ना लोग। तो मेरी जान 100 बातों की एक बात, अगर आप अज़रबैजान आना चाह रहे हैं यकीन करें अपनी फैमिली को ले आएँ, मैरिड हैं तो अपनी वाइफ के साथ आ जाएं, अनमैरिड हैं मम्मा पापा को ले आएं अपने, ठीक है ना, मॉम डैड को यहीं पे ले आएं और यहाँ विजिट करें। आप अगर मम्मा पापा को लाते हैं उनके लिए ये जगह तो जन्नत है, यकीन करो सुकून इन्वायरमेंट, ज़बरदस्त फैमिली इन्वायरमेंट है यहाँ पे, और क्या चाहिए आपको। अच्छा
अभी हम लोगों ने आज जो ट्रैवल किया, हमने आज जो विजिट किया, आज हमने एक तो गए हम लोग सबसे पहले KFC के बाद हम लोग चले गए अपना सिम निकलवाने, सिम निकाल के फिर हम लोग ओल्ड सिटी आए बाकू के। कल हम मेट्रो कार्ड लेंगे और कहीं और जाएंगे मेरी जान। मुझे पता है आपको वीडियोस पसंद आएगी इन फ्यूचर जब तक भी आपको पहुंचे, लेकिन जो भी देखा होगा और जिसने भी ये वीडियो यहाँ तक देखे ना, लव यू, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जानी एक सब्सक्राइब करते जाना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि यार आपने सब्सक्राइब किया है, और लाइक कर देना वीडियो अगर आपके काम आई हो, आपको अच्छी लगी हो लाइक कर देना। और मेरी जान थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इंशाल्लाह ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा आपके लिए। और सीरियसली कोई बातें बुरी लगी हो तो सॉरी, जो बातें अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स में बोल देना। लव यू हो गया मेरी जान, पाकिस्तान जिंदाबाद, लव यू पाकिस्तान, अज़रबैजान ऑल्सो लव यू। ओके मेरी जान, ये व्लॉग यहीं तक के लिए था, थैंक यू सो मच, लव यू हो गया मेरी जान। सीरियसली अभी हम लोग के पास 7 दिन और हैं, काफ़ी सारी जगह मैंने लिस्ट बनाई हुई है। ओल्ड सिटी इज़ डन, इस व्लॉग में ओल्ड सिटी हो गया डन। ये ओल्ड सिटी है बाकू का, जिसने भी आना है लोकेशन पे लिखे ओल्ड सिटी, निज़ामी स्ट्रीट से आई थिंक 5 मिनट की वॉक है, ओल्ड सिटी आप पहुँच जाते हैं, बाई वॉक भी आ सकते हैं। तो ओल्ड सिटी इज़ डन, हम कल अब किसी और जगह पर जाएंगे। और वीडियोस देखनी है तो चैनल के अंदर चले जाओ, आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, हर टाइप की वीडियोस मिल जाएंगी मेरी जान। लव यू हो गया, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। मेरी जान सब्सक्राइब करते जाना, सब्सक्राइब लाजिम करते जाना, जिन जिन्होंने देखा है ना, एक सब्सक्राइब करना, मुझे बूस्ट मिलेगा सीरियसली। थैंक यू सो मच, लव यू।